जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं। पुलिस ऑफिसर फील्ड में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। जिन पुलिस ऑफिसर को कोई समस्या आ रही है, कंफ्यूजन है, वो मुझे अक्सर हाँ फोन करते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सवालों से मेरे पढ़ने की इच्छा बढ़ती है और आप लोग के लिए मैं नए नए वीडियोज लेके आता हूँ, ताकि तमाम पुलिस ऑफिसर जो भाई हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं उनको मदद हो सके। तो अभी जो आज जो वीडियो लेके आया हूँ, लेक्चर वीडियो नंबर 13-30 है ये, और इसके पहले आप जो वीडियो हमारे रमेश सहरियार चैनल RAMESHSHARIYAR पे देख सकते हैं, 29 वीडियो जो मैंने पहले से डाल रखे हैं, अलग से मैंने लिस्ट बना रखा है आप लोगों के लिए। उसी प्रकार मेरा मोबाइल नंबर है 9871009070। किसी प्रकार की कंफ्यूजन है या कोई बात है तो मेरे व्हाट्सएप पे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप है उस पे आप सवाल भेज सकते हैं, या मुझे कोई ज़्यादा ही अर्जेंट है तो कॉल भी कर सकते हैं। तो आज जो मैं एक मुद्दा लेके आया हूँ दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और भाइयों ने पूछा भी था कि भाई लोकल एंड स्पेशल लॉ है, जैसे NDPS एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, उसमें कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे दोस्तों। तो क्लियर कट इसमें है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत CRPC को रिप्लेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कर दिया है 1 जुलाई से। तो अब जो भी प्रोसीजर लागू करना है दोस्तों, जो भी लोकल और स्पेशल लॉ है जिसके अंदर में पहले से प्रोसीजर दिए गए हैं, उसको उसी के प्रोसीजर से चलेंगे हम। लोकल एंड स्पेशल लॉ की प्रोसीजर अडॉप्ट है तो, और जिसमें प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है उसके अंदर में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। पहले हम CRPC को करते थे। जैसे कि आप देखें दोस्तों, NDPS एक्ट के अंदर में प्रोसीजर तो दिया हुआ है, लेकिन धारा 51 NDPS एक्ट का पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अरेस्ट को लेकर के और सर्च एंड सीजर को लेकर के जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे वो CRPC की प्रोसीजर होगी। अब चूंकि CRPC 1 जुलाई से रिप्लेस हो गई, लिहाजा अब आपको जो अरेस्ट एंड सीजर वाली जो प्रोसीजर है वो आपने चलना है भारतीय सुरक्षा संहिता के हिसाब से, यानी कि मौके पे आपको सर्च एंड सीजर की वीडियो बनानी होगी। और चूंकि 51 है ये NDPS एक्ट के अंदर में जिसमें सजा जिसमें आप मुकदमा दे रहे हैं 7 साल से ऊपर की सजा है, तो धारा 176(3) के तहत आपको मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बुलाना पड़ेगा, जहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट अवेलेबल है। जिस स्टेट में नोटिफिकेशन नहीं हुई है दोस्तों, वहां पे अभी जरूरी नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन होने के बाद उन लोगों को मौके पे सर्च एंड सीजर के पहले ही मौके पे बुलाना होगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आने चाहिए। दिल्ली के अंदर में लागू है दोस्तों, तो दिल्ली के पुलिस अधिकारी जो लोग NDPS एक्ट के मुकदमा देना चाहते हैं, इस बात का ध्यान करें कि न सिर्फ आपने 105 को फॉलो करना है, 176.3 को भी फॉलो करना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो दिया है नए प्रोसीजर, ये है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, सवाल आता है कि क्या और ऐसा मसला जिसमें कि ऑलरेडी जैसे PMLA है जो ED काम करती है, उसके अंदर में ऑलरेडी प्रोसीजर है, उनको CRPC फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, वो लोग न तो BNSS फॉलो करेंगे, वो लोग अपने प्रोसीजर पे चले गए, तो जिसमें ऑलरेडी है। उसी प्रकार आर्म्स एक्ट हुआ या एक्साइज एक्ट हुआ, उसके अंदर में प्रोसीजर नहीं है, तो आप क्या फाइल करेंगे, BNSS की प्रोसीजर फॉलो करेंगे, या उसमें मैंने डिटेल में हर में बताया हुआ है कि आप में पकड़ेंगे तो कैसे वीडियो बनाएंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, ये ऑलरेडी आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, पहले के जो लेक्चर है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, एक सवाल और आ रहा है कि ओल्ड IPC के जो केसेज हैं, जो पुराने केसेज हैं, जो 1 जुलाई के पहले के हैं, जो कि पेंडिंग रह गए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, क्या उसमें हम प्रोसीजर न्याय वाला BNSS का फॉलो करेंगे या पुरानी CRPC का करेंगे। तो दोस्तों प्रोसीजरल लॉ, मैंने भी पिछले एक लेक्चर वीडियो में बताया कि प्रोसीजरल लॉ रिट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि पुराने मसले जो पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन उसमें भी लागू होंगे, और उसमें आपको बाय द वे आप कहें कि मैं उसमें वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो कोर्ट कहेगी आपकी वीडियो बनाने से क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके अंदर में क्या कोई प्रेजुडिस कॉज होगा, तो देखिए प्रेजुडिस एक्यूज्ड का कॉज होता है, लिहाजा नया कानून को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको पारदर्शिता की बात करी गई है वीडियोग्राफी में, तो पारदर्शिता मेंटेन करने में कोई बुराई नहीं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ऐसा प्रोसीजर है जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट जाएगा
उस प्रोसीजर में हो सकता है फॉलो करने के लिए कोर्ट मना करे या एक्यूज्ड भी उसका ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसमें हमें नहीं करना है। अदरवाइज तो जो प्रोसीजर एक्यूज्ड के फेवर में जा सकता है, यानी कि जो प्रोसीजर ऐसा है जिसको अगर फॉलो ना करें तो अक्यूज कहेगा जी इन्होंने तो जानबूझ के फॉलो नहीं किया, जिससे कि मेरे को इन्वॉल्व किया है, इन्होंने तो थाने में बैठ के किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं किया, इन्होंने थाने बैठ के सीजर सर्च बनाई है, तो आप अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो एक ही प्रोसीजर चलेगा दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चाहे वो पुराना मुकदमा हो या नया मुकदमा हो दोस्तों, इस बात क्लियर है। और ये बात और भी बताई थी कि 1 जुलाई, 1 जुलाई के पहले के जो ऑफेंस है, अगर डेट ऑफ ऑफेंस की बात करें 1 जुलाई से पहले वाले हैं, 30 जून या 30 जून के पहले वाले, तो उसमें जो मुकदमा दर्ज करेंगे उसमें आईपीसी मुकदमा दर्ज होगा, पर प्रोसीजर उस पर सीआरपीसी वाला नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वाला अडॉप्ट किया जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार पुराना जो पेंडिंग मुकदमा उसमें भी होगा, फर्दर सप्लीमेंट्री चालान जिसमें फाइल करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें भी प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, एक सवाल आ रहा है, नोटिस जो देंगे पुराने मामलों में वो कैसे दिया जाएगा। देखिए नोटिस के बारे में जितने भी अफसर का फोन आया है मैंने उनको ये बताया कि देखिए आप नोटिस दे रहे हैं, मान लिया जाए कि आप 41 एसीआरपीसी की नोटिस थी, अब 41 एसीआरपीसी लोगों को पता चला उस लोगों को कि एक्यूज्ड के लिए है, तो अब आप किसी को 35(3) बीएनएसएस लिख के देंगे नया है, तो आप अंडर ब्रैकेट लिख दें ओल्ड 41 एसीआरपीसी लिख देंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो जब तक लोगों को ये क्लियर है तब तक आप जैसे किसी को आप 179 बीएनएसएस की नोटिस दे रहे हैं तो अंडर ब्रैकेट आप 160 सीआरपीसी लिख दें, ओल्ड 160 सीआरपीसी, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि भाई आपने हाथ से ही लिख दें, क्योंकि आपको जो कानून फॉलो भी करना है, साथ साथ आप लोगों को आमजन की सुविधा और अपनी सुविधा भी कभी देखना है कि भाई हम जो फॉलो कर रहे हैं वो लोगों तक जो हमारा हम जो जिस पर्पज से नोटिस दे रहे हैं उस पर्पज लोग समझे, पता चलेगा लोग समझे पता नहीं क्या बम आ गया, क्या गलत नोटिस आ गई, और जो आदमी पुलिस की मदद करना भी चाहता है वो नोटिस के धारा को देख कर ही कहीं भिदक ना जाए, तो लिहाजा आप उसको ऐसा नोटिस देंगे तो लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसी प्रकार था कि चार्जशीट फाइल करेंगे तो अब क्या करेंगे, तो 173 में करेंगे या 193 बीएनएसएस में करेंगे, तो भाई 173 193 बीएनएसएस में कोई फॉर्मेट में चेंजेस नहीं है, अगर आप 193 बीएनएसएस में कर रहे हैं तो अंडर ब्रैकेट 173 सीआरपीसी ओल्ड लिख दीजिए, हालांकि कोर्ट को तो पता है इसमें तो कोई है नहीं आपको कंफ्यूजन वाली बात, तो आपको नया प्रोसीजर कोड अप करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये वीडियो को शॉर्ट रखता हूँ दोस्तों और वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।